ओछति सप्तरी के छिन्मस्ता गांव पालिका वार्ड नंबर 5 से नेकपा माओवादी केंद्र से वडाध्यक्ष के उम्मीदवार शिवशंकर पंडित जी अपने का स्वागत छे। नमस्ते जी। अपने के उम्मीदवारी पूर्ण वडाध्यक्ष में कथी ल? बहुत निक सान्दर्भिक प्रश्न अपने कर लिए। देश में बहुत सारे आंदोलन के पश्चात नेपाल में नेपाली जनता के एक शासन व्यवस्था मिल रही है, स्थानीय सरकार ने। स्थानीय सरकार के जे काम कर्तव्य अधिकार छे वो हम सब जे छे से नहीं लागू कर सकलिए, नहीं कर सकलिए। हमरा सब गैठा के गांव पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगात विभिन्न जनप्रतिनिधि सबके एक आपस में समझदारी नहीं क्या के, एक आपस में मिलान नहीं क्या के, झै झगड़ा में अहाँ के 4-5 वर्ष हमरा सबके बीत गेले। आब वो सोच लिए जे नया मॉडल के जनप्रतिनिधि सब एते, फिर नया टाइप के सरकार बनते और ये बजट जे अहाँ के आब आब के फ्रीज भेले है। तो हमरा इच्छा रहे जे इस समाज के केना अगाड़ी बढ़ी, अपनों केना अगाड़ी बढ़ी। इस समाज निमुखा सबके समाज छे, एठा डोम चमार दुसाद मुसर खतवे लगात निमुखा वर्ग सबके बस्ती छे। एमें जे छै से अहाँ के शिक्षा के अभाव छे, स्वास्थ्य के अभाव छे, अन्न के अभाव छे, पानि के अभाव छे, घर के अभाव छे, जमीन के अभाव छे, सारा समस्या सब जकड़ल के जकड़ले रह गेलै। तै दुआरे इस समस्या सबके जड़ से उखाड़ के फेंके के लागी न हमरा फेर से उम्मीदवारी दिए पड़ले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के छिन्नमस्ता गांव पालिका वड़ा नंबर 5 लगात छिन्नमस्ता 7 वड़ा में और गांव पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत के जैसे सरकार एठा जगर माओवादी केन्द्र के सरकार बनल जाए और एठा के जनता बनाल जाए। तो वास्तव में छिन्नमस्ता गांव पालिका जैसे अपने आप में प्रसिद्ध गांव पालिका से अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, राष्ट्रीय लेवल में छिन्नमस्ता गांव पालिका के एक अलगे पहचान से वही पहचान के स्थापित करे के लिए एक नमूना छिन्नमस्ता गांव पालिका बनाबे के लागी माओवादी केन्द्र के जतेक उम्मीदवार सब छे वड़ा अध्यक्ष से लैके वड़ा सदस्य तक, गांव पालिका के अध्यक्ष से लैके उपाध्यक्ष तक सबके फाइनल मत द के विजय बनो, या हमरा सबके अपेक्षा के साथ जे हम फिर से उम्मीदवारी दिलू ये। 5 साल के दौरान में अपने का जनता सबके विभिन्न समस्या सब जे में अपने का 5 नंबर वार्ड में सबसे बेसी दलित बस्ती का बसोबास है, इस दलित बस्ती सबके लेल की अपने विजन रखना चाहिए? आप जितबे तो की सब परिवर्तन कह सके? गत वर्ष आर्थिक वर्ष में हमरा अहाँ के गांव पालिका के बजट में कोनो तरह के खास क्या कर विषय वस्तु सबके नहीं समटल गेले कि अठा व्यक्ति के शासन मात्रे चलावे वाला प्रवृत्ति देख लिए। हम जे कहबू ते में हम कहबी तो ठीक छे, नहीं कहबी तो नहीं चलते। ई हठबाजी के कारण हम सब चुनावो जीत कर अब हमरा सबके आब राजीनामो दे देबे सेहो नहीं हेतु, पनछि के भाग जेबे सेहो नहीं हेतु। मतलब अपन आत्मा के संतुष्टि करित सबर करित हम सब 6 महीना पहिनो चुनाव में जा रहल छी। हमरा सबके अपनो सरकार जे प्रमाण पत्र देने ये में 4-5 महीना बचल छी, लेकिन पहले हम सब राजीनामा दे के चुनाव में जा रहल छी। कथी ला हमू सब इस सरकार से तंग रहिए कतो न कतो, ये कौन सरकारी व्यक्तिवादी सरकार बन गेल छे, जनता मुखी जे छै से कोनो तरह के योजना बनाबी नहीं दी छै ने, जनता मुखी योजना कोनो जरूरिए नहीं छै, हैकमवादी सरकार बन गेले। अब सरकार बुझियो वड़ा अध्यक्ष का काम कर्तव्य अधिकार जते छै ततनी ने करबे, यौ गांव पालिका के अध्यक्ष के काम कर्तव्य अधिकार जे छै उ ने करतै। तो वड़ा कार्यालय में जे देखै छियै हमसब वार्ड के जगह छूटे खाता रहै छियै ने, वड़ा सचिव के नाम में, वार्ड में लेखापाल के नाम में वार्ड के सीलिंग दिलके, वार्ड के खाता खोल देती, वही खाता में ओकर सीलिंग आबते। वार्ड के जनता, वार्ड के जनप्रतिनिधि बैस के अपन गाम में, अपन समाज में, अपन टोल में, वार्ड में की काम करने से इस समाज के स्तर उन्नति हेतु, एहन तरह के वातावरण सब जे छै से राज्य पक्ष से बुझियो न, एकेटा समग्र छी नमस्ते टा पक्ष से नहीं, देशे के इन कानून में समस्या सब जे छै जटिल बना देने छै। पहले अहाँ के छिन्नमस्ता में
चारिटा गाविस रहे, कोचाबखारी गाविस रहे, बरही बीरपुर गाविस रहे, ओकर बाद में सखड़ा गाविस रहे, लालापट्टी गाविस रहे, जनता के चार जगह से सेवा सुविधा भेटे। अखन ओकरा गोलिया के एक ठाम कर देने छे, ओकरा जगह चार ठा से सात ठा क्या देने रहती है, सात टा वाड़ा में सात जगह सेवा सुविधा दे देने रहती है। जनता के अति उत्तम ओकर आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक मान के चलू शैक्षिक स्तर ओकर जे छै जिंदगी में आय अर्जन के सीप सब ओकरा अगाड़ी बढ़ावे के लेल, ओकरा गरीबी के जड़ से हटाबे के लेल, बेरोजगार युवा सब के रोजगारी प्रदान करे के लागी, ई समस्या सब जे छै से अहाँ के जै के तै रह गेलै, एकरा नहीं समेट सकलिए हम सब। हमरो ओहिमे कतौ न कतौ गलती है, हमहुँ जमा जनता सब से क्षमा मांगे छी, प्रार्थना मांगे छी, करे छी जे हमरा माफ कर दिय। ए सरकार के सहयात्री हमू रहिए, लेकिन हमरा सब के चुनावो जीत के पछतैत रहिए, कानित रहिए, कल्पित रहिए, करबे की वड़ा अध्यक्ष के जे काम कर्तव्य अधिकार छी ते भीतर में रहकर वड़ावासी के जतेक जे सहयोग छै दिन राति 24 घंटा, हाँ अहाँ के हमरा ई छिन्न मस्ता 5 में 19 बीघा ब्लॉक जमीन रहे, ओकरा नापी करा के सुख भोग आधार से अहाँ के लगभग 12-14 बीघा के लाल पुर्जा वितरण कर दिलिए। बाहरी काम सब करने छी, जना अहाँ के डोम समुदाय सब अव्यवस्थित रहे, शहरी डिवीजन कार्यालय से जनता सुरक्षित आवास कार्यक्रम आनि के हुनका सब के मकान बना के व्यवस्थित कर देने छी। नहीं तेना मुसहर समुदाय सब के अहाँ के शहरी विकास डिवीजन कार्यालय से सहयोग का ओकर दौड़ बढ़ा क्या कर समन्वय क्या कर 25 टा मुसहर समुदाय से वह सब के घर जनता आवास वाला बनायल छी। बाहर बाहर से मान के चलू सहयोग तो आनि आनि के काम कर सकलिए, लेकिन जै सरकार के एक कैबिनेट मंत्री हमू रहिए ओ सरकार के छे से दिशाहीन सरकार छे, भिजाहीन सरकार छे। इस सरकार के कोनो तरह के सोच न उद्देश्य न मैंडेट न प्लानिंग न कतो किछ न, एकदम की कहै छै मूर्ख राजा चौपट नगरी। तो तेहन तरह के व्यवस्था के कारण हम सब आई मार में छी और एठा के जनतो मार में पड़ल ये, जनता और जनप्रतिनिधि सब मार में पड़ल ये। ए मार से मुक्ति के लागी आब एठा नेकपा माओवादी केन्द्र के मात्रे नै छै से जनता अगाड़ी बढ़ेतै, तकर बादे में छिन्न मस्ता गांव पालिका के हम देखै छियै जकर विकास जे छै से संभव छै। नहीं तो एठा के पुराना सामंती सब, पुराना जमींदार सब, पुराना जे छै यथावादी चिंतन सब, उ सब जे छै कतौ न कतौ समाज के दास और नौकर के प्रवृत्ति में जे छै मान के चलू मालिक और नौकर के प्रवृत्ति में जे छै एकरा शासन करे वाला वातावरण सब देखा रहल छै। राजतंत्रो में वह आदमी एलै, प्रजातंत्रो में वह आदमी एलै, बहुदलीय व्यवस्था में वह आदमी एलै, आई गणतंत्र से लोकतंत्र से गणतंत्र आबि गेलै तैयो वह आदमी छै ओकरे।